कह रहा था परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब परपेंडिकुलर ओरिजिन मतलब जीरो जीरो से एक परपेंडिकुलर आ रहा है, कहां रहा है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर आ रहा है ओरिजिन से, ठीक है, मीट्स इट एट, और वो मीट करता है इस लाइन को एट द पॉइंट माइनस वन टू। एक परपेंडिकुलर आ रहा है कहां से? ओरिजिन से, और किस लाइन के ऊपर? इस लाइन के ऊपर। मीट्स इट एट, इसका मतलब मीट्स इट एट मतलब मिलता है इट इसको एट कौन से पॉइंट पे? माइनस वन टू, यस और नो? क्वेश्चन समझ में आया? एक परपेंडिकुलर आ रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजन, तो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा जब बात करता है तब बनाते हैं, नहीं बात कर रहा तो सीधा सीधा एक कोई ओरिजन है यहां पर जीरो जीरो, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर आ रहा है किसके ऊपर? एक लाइन के ऊपर, यस और नो? और लाइन दे रखी है क्या? वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यस और नो? और जो परपेंडिकुलर आ रहा है इस लाइन को मीट करता है कौन से पॉइंट पे? क्या ये आपको बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, चित्र बन गया तो क्वेश्चन भी होगा। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, फाइंड द, कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजन टू दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री है, और मीट्स इट एट, जो परपेंडिकुलर है मीट्स इट एट माइनस वन टू, यस और नो? परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजन टू द लाइन, परपेंडिकुलर ओरिजन से इस लाइन के ऊपर मीट इट एट, इसको मीट करता है, इसको ये मीट करता है कौन से पॉइंट पे? माइनस वन एंड टू पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी, किसकी वैल्यू निकालनी है? एम एंड सी निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर भाई? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, तो इसमें हमने कुछ लेट किया है? कुछ लेट नहीं किया, तो इसको लेट कर लेते हैं। इसके स्लोप का नाम क्या रख लेते हैं? एम वन। इसके स्लोप का नाम क्या रख लेते हैं? एम टू, यस और नो? और हमको मालूम है, क्या मालूम है बोलो? दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? माइनस वन, पक्की बात है भैया? तो ठीक है, लेट किया मैंने, लेट एम वन बी द स्लोप ऑफ, इसको नाम दे दो एल वन, इसको नाम दे दो एल टू, स्लोप ऑफ एल वन, एंड एम टू बी द स्लोप ऑफ एल टू, कोई दिक्कत भाई? अब ये दोनों स्लोप निकालने की जरूरत पड़ेगी हमें, हाँ या ना? या चलो लिख लेते हैं, गिवन है आपके पास L1 परपेंडिकुलर L2, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? माइनस वन होगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, M1 निकालना है, क्या निकालना है? M1, क्या आप M1 निकाल सकते हो? एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, हाँ है ना? एम वन निकल जाएगा, दो पॉइंट दिए होते हैं तो एम वन निकल जाता है, वाई टू माइनस वाई वन एंड एक्स टू माइनस एक्स वन, तो क्या होगा? एम वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गया एम वन, इंटू में क्या? एम टू, एम टू किसका स्लोप है? इस लाइन का, क्या इस लाइन का स्लोप निकालने में आपको दिक्कत होगी? ये कौन सी फॉर्म में लिखी हुई लाइन? स्लोप फॉर्म में, तो यही तो एम होता है, अरे हाँ या ना? अरे वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, अगर तो ये क्या होता है? एम होता है, लाहौल बिलासपुर स्लोप फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या होता है? वो कहां पे काट रही है वो पता लग जाता है, वाई एक्सिस को वाई इंटरसेप्ट, और एम एक्स के आगे जो होता है वो क्या होता है? स्लोप। तो एम टू कितना है? एम है इक्वल्स टू क्या? माइनस वन, हाँ या ना? सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये क्या आ गया? ये जीरो तो हट जाएगा, टू माइनस वन इन टू में क्या? एम माइनस वन, इसको उधर ले जाओ, माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा? प्लस वन, टू एम इक्वल्स टू क्या हो गया? प्लस वन, टू को नीचे ले जाओ तो एम इक्वल्स टू क्या हो गया? वन बाई टू, हाँ या ना? क्या निकालने के लिए बोल रहा था? एम एंड सी, अभी क्या निकालना है? सी है कोई माइका लाल, है कोई माइका लाल जो मुझे बता दे कि कैसे निकलेगा सी? अब देखो ये जो बिंदी है, ये जो बिंदी है इसका नाम ओ रख लो और इसका नाम ए रख लो, ये जो बिंदी है वो इस लाइन के ऊपर है, तो पॉइंट कौन सा? माइनस वन टू सेटिस्फाई करेगा किसको? वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को सेटिस्फाई करेगा, पुट कर, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? एक्स की जगह माइनस वन, वाई की जगह टू, सेटिस्फाई करा दो तो वाई की जगह टू हो गया और
एक्स की जगह माइनस वन हो गया एंड प्लस सी, ये आ गया हमारे पास टू इक्वल्स टू क्या माइनस एम प्लस सी, यस और नो? हमें क्या निकालना है सी, इसको इस तरफ ले जाओ तो टू प्लस क्या हो गया एम इक्वल्स टू क्या हो गया सी, अब बताओ एम तो हमने निकाल लिया वो रहा, पुट कर दो एम इक्वल्स टू कितना 1/2, तो हमें सी पता लग जाएगा तो 2 और ये कितना हो गया 1/2 इक्वल्स टू क्या हो गया सी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो गया 5/2, 4 प्लस 1 5/2, तो सी की वैल्यू भी आ गई और एम की वैल्यू भी आ गई। बात समझ में आई नहीं आई? दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन माइनस वन एम हो गया। अब बस ये करना है बिंदी किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, तो लाइन की इक्वेशन को क्या करेगी सेटिस्फाई, तो एम और सी की टर्म में इक्वेशन आ गई, एम हमने निकाल लिया पुट कर दो सी आ गया, हाँ या ना? लिखो कैसा लगा। अगर आपको ये चैप्टर आ गया तो समझ लो आपने किला फतेह कर लिया, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बढ़िया है। सबको दिक्कत होती है, सबको, मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होती है, ये बहुत मेहनत मांगता है। ये बहुत सारे लोगों को तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता बोल क्या रहा है, चित्र नहीं बनता कुछ लोगों से, अब बताओ कैसे निकलेगा। एम निकल गया, अब मैं कैसे निकालूं बताओ, दो वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू निकालनी है, तो दो कंडीशन होनी चाहिए ना, एक एम निकल गया, दूसरी कंडीशन कैसे आएगी, बिंदी किसके ऊपर दिख रही है, इसके ऊपर। जैसे ही पुट करोगे तो आपके पास एम और सी की टर्म में इक्वेशन आएगी, वो प्रैक्टिस करते करते पता लगने लग जाएगा। एम निकल चुका है, बताओ कैसे निकालूं यार, कैसे निकलेगा एम और सी, तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे तभी तो एम सी निकलेगा, और एक्स और वाई की वैल्यू कौन सी पुट करोगे, बिंदी इसके ऊपर है तो इसके ऊपर पुट कर दो तभी तो एम और सी आएगा। क्लियर बच्चों? चले आगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन करने से पहले आप मुझे ये बता दो, क्या आप सबको मालूम है यदि कोई एक पॉइंट दे रखा है कुछ पी एक्स वन वाई वन और एक लाइन दे रखी है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो, पी से एन का डिस्टेंस, याद है फॉर्मूला? क्या करते हैं, एक्स की जगह एक्स वन, वाई की जगह एन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे का ही मोड लगा दो, ऊपर मोड होता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक है।